वेटा की नई गाड़ी जमीन पर नहीं बल्कि चांद पर चलेगी। गाड़ियां तैयार करने वाली दुनिया की मारूफ जापानी कंपनी वेटा ने एक अनोखी गाड़ी पर काम शुरू कर दिया है। गाड़ी जमीन पर नहीं बल्कि चांद पर चलेगी। गाड़ी को इस दहाई के आखिर में लॉन्च किया जाएगा। टोयोटा और जापान की स्पेस एजेंसी के दरमियान मुआहदा हुआ है जिसके तहत चांद गाड़ी के जरिए चांद की सतह का जायजा लेने के मिशन पर काम शुरू किया गया है। यह मंसूबा 2040 तक इंसान के चांद पर रहने और फिर जिंदगी को मरीख पर ले जाने के पेश नज़र बनाया गया है। जापान स्पेस एजेंसी के इश्तराक से बनाई जाने वाली इस गाड़ी का नाम लूनर क्रूज रखा गया है। ये नाम टोयोटा की लैंड क्रूजर पर रखा गया है। इस गाड़ी की लॉन्च इस दहाई के आखिर में की जाएगी। टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन में लूनर क्रूज प्रोजेक्ट के सरबरा टिकाओ साटू का कहना था कि ये गाड़ी इस ख्याल पर मुबनी है कि लोग बाहिफाजत गाड़ी में काम कर सकेंगे, खा सकेंगे, सो सकेंगे और देकर अफराद के साथ रबता कर सकें और ऐसा ही बैरूनी खला में किया जा सके। साटू का कहना था कि खला में जाकर हम शायद टेली कम्युनिकेशन और दीगर टेक्नोलॉजी इतनी जदीद करने के काबिल हो जाएं जो इंसानी ज़िंदगी के लिए अहम साबित होगी।